नमस्कार दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 के खिताब जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे, जिसके बाद से टीम इंडिया अपने नए कप्तान की तलाश में जुट गई है। अब ऐसे में तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे BCCI T20 में भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिसे BCCI कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया था और जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तानी की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल बतौर कप्तान सीनियर प्लेयर्स का सिर्फ विकल्प थे या BCCI का प्लान उनको लेकर कुछ और है। हालांकि टीम इंडिया का यह प्रयोग सफल रहा और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल, जो काफी समय से बल्ले से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका भी था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वहीं पर इस सीरीज की शुरुआत भारत के लिए काफी खराब रही, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट के फैसले पर कई सवाल भी खड़े हुए। लेकिन सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया ने वापसी की और यहां से टीम इंडिया का प्रदर्शन पूरी सीरीज में शानदार रहा और भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे को 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से करारी शिकस्त। तो शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से काफी ज्यादा प्रभावित किया, जिससे BCCI के लिए शुभमन गिल T20 कप्तान के लिए एक विकल्प हो सकते हैं। वहीं पर दूसरे और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी जिसे BCCI भारतीय टीम के T20 की कप्तानी सौंप सकती है, वो है हार्दिक पांड्या। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या T20 विश्व कप 2024 में भारतीय स्क्वाड में भारतीय टीम के उप कप्तान भी थे, जिससे ये साफ हो रहा है कि हार्दिक पांड्या को ही BCCI T20 की कप्तानी सौंप सकती है। वहीं पर एक और खिलाड़ी है जिसे BCCI T20 की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है, वो है भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। आपको बता दें, ऋषभ पंत IPL में दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करते हैं और वो एक आक्रामक बल्लेबाज भी है और एक शानदार कप्तान भी, इसलिए ऋषभ पंत को BCCI T20 की कप्तानी सौंप सकती है। तो दोस्तों, इन तीन खिलाड़ियों में से BCCI को किस खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, या आपके हिसाब से कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे T20 की कप्तानी मिलनी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।